केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाए गए 5 साल के बैन पर सूफी इस्लामिक बोर्ड ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि भारत सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि काश इन लोगों ने अपने मजहब के लोगों को सही रास्ता दिखाया होता तो इन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। ये सूफी इस्लामिक बोर्ड की लड़ाई थी जिस पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। यह हमारी फतेह है, हमारे देश के लोगों की फतेह है। और जो भी लोग अपने कौम के लोगों को गुमराह करके कोई भी संगठन चलाएं, ऐसे हर संगठन को बैन करना ही चाहिए। सूफी बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी का कहना है कि वो लोग लंबे समय से पीएफआई को बैन करने की मांग जोर शोर से उठा रहे थे। ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़ रहे थे। काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता तो आज ये बुरे दिन इन्हें देखने को नहीं मिले। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। पीएफआई द्वारा अब तक जो कार्य किए गए किस तरीके के कार्य थे और एक आपके संगठन ने इसका विरोध क्यों किया था? देखिए, ये हुसैनियत और मौलाइयत के खिलाफ खड़े हुए थे। ये देश के खिलाफ जिहाद लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और मुसलमान नौजवानों को भटका रहे थे। आज लोगों की समझ में आ रहा है ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके पास इतना रुपया कहाँ से आया, कितने केसों में हिंदुस्तान के अंदर इनका लोग नामजद हुए हैं, उन्होंने पीएफआई का नाम लिया था। एक बड़ी लिस्ट है इनके कामों की, जो हमने तो एक पर्चा भी निकाला था इनके खिलाफ कि ये, और उस पर्चे को हमने बांटा भी था कि ये पीएफआई के कुकर्म है और इससे अपने नौजवानों को बचाएं।